मुनव्वर फारूकी को पहले जहां खतरों के खिलाड़ी 12 के लिए कंफर्म किया गया था, तो वहीं अब उन्हें बिग बॉस ओटीटी 2 के लिए भी अप्रोच किया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के शो लॉकअप को मुनव्वर फारूकी के रूप में अपना विनर मिला। लॉकअप में रहते हुए मुनव्वर फारूकी ने न केवल लोगों का दिल जीता बल्कि शो को जीतते हुए 30 लाख रुपए और ढेर सारे इनाम भी अपने साथ ले गए। खास बात तो यह है कि लॉकअप जीतने के बाद उनकी किस्मत ही चमक गई है, क्योंकि कंगना रनौत के शो के बाद मुनव्वर फारूकी को लगातार कई रियलिटी शो के ऑफर मिले, जहां मुनव्वर को पहले खतरों के खिलाड़ी 12 के लिए कंफर्म किया गया था, तो वहीं अब उन्हें बिग बॉस ओटीटी 2 के लिए भी अप्रोच किया गया है। बिग बॉस ओटीटी 2 ताजा खबर के मुताबिक मुनव्वर फारूकी को करण जौहर के शो बिग बॉस ओटीटी 2 के लिए अप्रोच किया गया है। हालांकि इस मामले पर अभी तक आधिकारिक तौर से कुछ नहीं कहा गया है, यहां तक कि खुद मुनव्वर फारूकी ने भी अभी तक बिग बॉस ओटीटी 2 को लेकर कुछ नहीं कहा है। बता दें कि लॉकअप जीतने के बाद मुनव्वर फारूकी ने रोहित शेट्टी की अपकमिंग शो खतरों के खिलाड़ी 12 पर भी चुप्पी तोड़ी है। मुनव्वर फारूकी ने खतरों के खिलाड़ी 12 पर बयान देते हुए कहा, पता नहीं टीम ने बाहर क्या खिचड़ी पकाई है, मुझे वाकई में इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को मुझसे पहले ही पता चल जाएगा। मुनव्वर फारूकी के इस बयान ने लोगों को भी असमंजस में डाल दिया है कि वो खतरों के खिलाड़ी 12 में आ भी रहे हैं या नहीं। बता दें कि मुनव्वर फारूकी कंगना रनौत का शो लॉकअप जीतने के बाद मिस्ट्री गर्ल नाजिला को लेकर चर्चा में आ गए हैं। मुनव्वर ने मिस्ट्री गर्ल के साथ अपनी एक फोटो भी शेयर की थी, जिसमें दोनों साथ में रोमांटिक अंदाज में नजर आए। फिलहाल इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।